Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है ओवुलेशन का समय से होना, यानी ओवरी से एग का रिलीज होना. नॉर्मली केस में हर महीने महिला की एक ओवरी से एग रिलीज होता है, या तो लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा या तो राइट ओवरी से एग रिलीज होगा. जब एग रिलीज होगा तभी जाके स्पर्म एग से मिल पाएगा, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, देन फर्टिलाइज एग बनता है जाइगोट. जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है. जब वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता है बन जाता है मोरूला. मोरूला जब फेलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रन वॉल पे पहुंचता है, यानी गर्भाशय की दीवार पे पहुंचता है, तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट. और ब्लास्टोसिस्ट ही गर्भाशय की दीवार में बरो होता है. जब ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाती है तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. एंड ब्लास्टोसिस्ट ही गाइज एम्ब्रियो बनता है आगे चलकर, देन फीटस बनता है, देन 9 महीने के बाद उसी फीटस को एक मदर बॉर्न करती है. तो ये प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है. प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ ओविलेशन का समय पे होना जरूरी नहीं होता, ओविलेशन के बाद की प्रोसेस भी होती है, वो मैंने आपको समझाती है. बट जो ओविलेशन होता है गाइज ये हर महिला का मेड साइकिल में होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो आपका ओविलेशन 14वें दिन पे होगा, यानी आपकी जो पीरियड का पहला दिन है वो आप पहला दिन काउंट करेंगे, उसके 14वें दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा. जो ओविलेशन का फेज होता है ये हर महिला में 24 से लेके 36 आवर्स का होता है, क्योंकि जो एग की लाइफ होती है वो इतनी ही होती है. एग फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेके 36 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है, और इसे ही हम ओविलेटरी फेज भी कहते हैं. और ओविलेशन फेज के बाद आता है ल्यूटल फेज. जो ल्यूटल फेज होता है ये हर महिला में फिक्स होता है, 14 दिन का होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इररेगुलर हो. तो इसी फेज में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओविलेशन के 14वें दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड हो जाती है. तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझाने वाली हूँ किस तरीके से पीरियड के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि इस महीने आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा या नहीं होगा, या अंडा फूटेगा या नहीं फूटेगा. क्योंकि अगर आपका एग रिलीज प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती. अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ओवरी से एग रिलीज नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप नेचुरल टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका ओविलेशन समय पर. सो गाइज देखिए होता क्या है, ओविलेशन से 24 घंटा पहले महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है. पीरियड के बाद तो फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होना शुरू होता है, बट ओविलेशन से 24 घंटा पहले एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है और इसके साथ एक नया हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होने के बाद से राइज होना शुरू हो जाता है, और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होना शुरू होता है तो उसके 24 घंटे के बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है. और LH हार्मोन ही एक ऐसा हार्मोन है गाइज जो ओविलेशन को ट्रिगर करता है. जब LH हार्मोन ठीक तरीके से राइज होगा तो उसके 24 घंटे के बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होगा, यानी फॉलिकल रप्चर होगा, और उसमें से एग रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 36 घंटे तक इंतजार करेगा. तो किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं नेचुरली कि आपकी बॉडी में LH हार्मोन राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी महिलाएं ओविलेशन किट का भी यूज़ करती हैं. ओविलेशन किट में भी LH हार्मोन डिटेक्ट होता है जिससे महिलाओं को पता चलता है कि महिलाओं का ओविलेशन होने वाला है. बट अगर आप नेचुरल तरीके से पता करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें आपको नोटिस करनी है. सबसे पहला बेसल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि पीरियड के बाद जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है महिलाओं का वो नॉर्मली एक जैसा ही रहता है, बट जब महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है तो उस दिन महिलाओं के बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है, और ये गिरावट दर्शाती है कि महिलाओं का ओविलेशन होने वाला है. और इसके साथ जब महिलाओं की बॉडी में LH हार्मोन भी राइज होना शुरू होता है तो उस टाइम से ही महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में भी बदलाव आता है. अगर आप वजाइनल डिस्चार्ज को पीरियड के बाद नोटिस करें तो आपने देखा होगा ऐसा ड्राई सा रहता है, सूखा सा रहता है, स्टिकर सा रहेगा, और उसके बाद वजाइनल डिस्चार्ज जैसा क्रीमी टाइप हो जाता है और वेट टाइप हो जाता है. बट गाइज जब LH हार्मोन महिलाओं की बॉडी से राइज होना शुरू होता है तो उस टाइम जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है महिलाओं का वो फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल डिस्चार्ज होता है द स्लिपरी डिस्चार्ज, वाइड डिस्चार्ज, क्लियर डिस्चार्ज, स्ट्रेटी डिस्चार्ज. अगर आप उसके टेक्सचर को नोटिस करेंगे तो जो कच्चे अंडे का वाइट पोर्शन होता है ना
उसी तरीके का उसका टेक्स्चर हो जाता है। अगर आप अपनी फिंगर में ऐसे लेंगे तो वो स्ट्रेच भी होता है क्योंकि उसकी स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस तरीके का डिस्चार्ज स्पर्म को भी हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, स्पर्म इस एनवायरमेंट में जिंदा रहता है जिससे स्पर्म आसानी से अपना रास्ता ट्रेवल करता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है और एग को फर्टिलाइज करता है जिससे महिलाओं के लिए भी प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान होता है। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला है या नहीं होने वाला है, और साथ में अगर आप इस डिस्चार्ज को नोटिस कर लेते हैं तो आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है, क्योंकि रेगुलर पीरियड्स के केस में तो इस तरीके का डिस्चार्ज आपका 12वें-13वें दिन निकल सकता है। अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो उस कंडीशन में आपको अपने वजाइनल डिस्चार्ज को पीरियड खत्म होने के बाद से नोटिस करना है ताकि अगर आपको पीरियड साइकिल में इस तरीके का डिस्चार्ज दिख रहा है तो ये दर्शाता है कि आपकी ओवरी से इस महीने 101% एग रिलीज होगा। तो ये दो चीजें आपको बस नोटिस करनी है। अगर ये दोनों चीजों को आप अच्छी तरीके से नोटिस कर लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि इस महीने आपका अंडा फूटेगा या नहीं फूटेगा। एंड गाइज यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।